दोस्तों नमस्कार। चमकौर का युद्ध जहां 10 लाख मुगल सैनिकों से लड़कर जीते थे मात्र 40 सिख। दुनिया के इतिहास में ऐसा युद्ध न कभी किसी ने पढ़ा होगा, न ही कभी किसी ने सोचा होगा, जिसमें 10 लाख की फौज का सामना महज 40 लोगों के साथ हुआ था और 10 लाख की फौज के सामने जीत होती है उन 40 सूरमाओं की। चमकौर का युद्ध 1704 में 6 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह और वजीर खान की अगुवाई में मुगलों की सेना के बीच पंजाब के चमकौर में लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगलों की विशाल सेना के सामने मामूली सी सिख सेना थी, लेकिन सिखों ने बहुत ही वीरता से लड़ते हुए मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई। भारी भरकम सेना के बावजूद मुगल सेनापति वजीर खान गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने में नाकाम रहा, लेकिन इस युद्ध में गुरु जी के दो पुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह व साहिबजादा जुझार सिंह ने शहीदी प्राप्त की। गुरु गोविंद सिंह ने इस युद्ध का वर्णन जफरनामा में किया है। उन्होंने बताया है कि जब वे सरसा नदी को पार कर चमकौर पहुंचे तो किस तरह मुगलों ने उन पर हमला किया। 6 दिसंबर सन 1704 को सरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जो इतिहास में चमकौर का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में 40 सिखों का सामना वजीर खान के नेतृत्व वाले 10 लाख मुगल सैनिकों से हुआ था। वजीर खान किसी भी सूरत में गुरु गोविंद सिंह जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद गुरु गोविंद सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के दो बेटों सहित 40 सिखों ने गुरु जी के आशीर्वाद और अपनी वीरता से वजीर खान को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया और 10 लाख मुगल सैनिक भी गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं पकड़ पाए। यह युद्ध इतिहास में सिखों की वीरता और उनकी अपने धर्म के प्रति आस्था के लिए जाना जाता है। Thanks for watching.